हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीके टॉप एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आज आपका एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मोस्ट टैलेंटेड और एक्सपेरिमेंटल स्टार के बारे में, जिन्हें दक्षिण भारतीय नहीं उत्तर भारत में भी हिंदी डब्ड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विजय सेतुपति के बारे में, जो पेशे से इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, लिरिस्ट, प्लेबैक सिंगर हैं और जिन्हें हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। हालांकि इनकी ख्याति के बल पर ये आजकल तेलुगु में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हिंदी में भी इनकी आने वाली मूवीज़ की लिस्ट है, जिसमें ये लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा ये मलयालम फिल्मों में भी दिख चुके हैं एक दो में। शुरू में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1996 में अनक्रेडिट रोल और छोटे छोटे रोल के तौर पर की थी। इन्हें अपना फर्स्ट लीड रोल प्ले मिला था 2010 की मूवी थेन मेरकू पारुवा का थ्रू में, जिसका डायरेक्शन किया था श्रीनु रामास्वामी ने। यह मूवी इनके करियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसके बाद 2012 में इन्होंने कई मूवीज़ की जो बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सफल हुई। इन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था सुंदर पांडियन में, जिसमें इनका रोल एम शशि कुमार पर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था। तभी तो इनकी आने वाली लिस्ट की मूवीज़ में ज़्यादातर में ये नेगेटिव रोल में भी प्ले करते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव रोल में ये एक्टिंग से ज़्यादा धांसू और ज़्यादा तकड़ी एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है इनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में। हम इनका करियर एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कि इनकी कितनी मूवी हिट, फ्लॉप, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तेन मारकू परवा कातरू से, जिसका डायरेक्शन किया श्रीनु रामास्वामी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, सर्वन्या पौरवानन और वसुंधरा कश्यप। मूवी 2010 को रिलीज हुई और 7.1 की IMDb रेटिंग के बावजूद मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर दो, वर्णम, जिसका डायरेक्शन किया राजू एस एम ने। कास्ट में थी मोनिका संपतराज और विजय सेतुपति। मूवी 2011 को रिलीज हुई और 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ एक सेमिट साबित हुई। नंबर तीन, सुंदर पांडियन, जिसका डायरेक्शन किया एस आर प्रभाकरण ने। कास्ट में थे एम श्री कुमार, लक्ष्मी मेनन और विजय सेतुपति। मूवी 2012 को रिलीज हुई और 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसमें विजय सेतुपति ने नेगेटिव रोल प्ले किया। नंबर चार, पिज्जा, जिसका डायरेक्शन किया कार्तिक सुब्बाराज ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, रम्या निशंबन और अदु कलाम नारायण। मूवी 2012 को रिलीज हुई और 8 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। इसे हिंदी में भी बनाया गया। नंबर पाँच, वालू कोंजम पकाता काला, जिसका डायरेक्शन किया था बालाजी टी ने। विजय सेतुपति, गायत्री और भगवती पेरुमल इसकी लीड कास्ट में थे। मूवी को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली और 2012 की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर छः, सोदू कामम, जिसका डायरेक्शन किया नलन कुमार स्वामी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, बॉबी सिमा और अशोक सेल्वन। मूवी 2013 को रिलीज हुई और 8.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नंबर सात, आई असाई पताई बाला कुमार, जिसका डायरेक्शन किया था गोकुल ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, अश्विन काकुमानू और स्वाति रेड्डी। मूवी 2013 को रिलीज हुई और 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ इस मूवी ने 40 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर आठ, रम्मी, जिसका डायरेक्शन किया के बालाकृष्णा ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, गायत्री और ऐश्वर्या राजेश। मूवी 2014 को रिलीज हुई, इस मूवी को 4.8 की IMDb रेटिंग मिली और मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर नौ, पनियारुम पंदामनियम, जिसका डायरेक्शन किया एस यू आर अरुण कुमार ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, जया प्रकाश और अश्विन राजेश। मूवी 2014 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 10, वनमम, जिसका डायरेक्शन किया जय कृष्णा ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, कृष्णा और सुनैना। मूवी 2014 को रिलीज हुई और 5.7 की IMDb रेटिंग के साथ फ्लॉप साबित हुई। नंबर 11, पुरना पक्कू, जिसका डायरेक्शन किया था एस पी जगन्नाथन ने। कास्ट में थे आर्या, विजय सेतुपति और श्याम। मूवी 2015 को रिलीज और 5.9 की IMDb रेटिंग के साथ हिट साबित हुई। कई वेबसाइट इसे एवरेज भी बताती हैं। अगली थी ऑरेंज मिठाई, जिसका डायरेक्शन किया बीजू विश्वनाथ ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, रमेश तिलक और करुणाकरण। मूवी 2015 को रिलीज और 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। नंबर 13, एक्स और रोमांस और कॉमेडी से भरपूर मूवी नानुम रावड़ी धान, जिसका डायरेक्शन किया विघ्नेश शिवान ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, नयनतारा और प्रतिभान। मूवी 2015 को रिलीज हुई थी और 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी ने 45 करोड़ का तकरीबन कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 14, सेतुपति, जिसका डायरेक्शन किया एस यू अरुण कुमार ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, रम्या निम्बेसन और वाला रामामूर्ति। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 15, कथालकुम
कदानतु पोगुम, जिसका डायरेक्शन किया नलन कुमार स्वामी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, मैडोना सेबेस्टियन और सुमाथु कानी। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 7.3 की एमडीबी रेटिंग के साथ एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 16 आईरीवी, जिसका डायरेक्शन किया कार्तिक सुब्बराज ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, एस जे सूर्या और बॉबी सीमा। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 8.1 की एमडीबी रेटिंग के साथ एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 17 धर्मादुरई, जिसका डायरेक्शन किया था श्रीनु रामास्वामी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, तमन्ना भाटिया, ऐश्वर्या राजेश। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और 7.5 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 18 इनकी रोमांस कॉमेडी दर्द मूवी अंधावनम कथकली, जिसका डायरेक्शन किया था एम मणिकंदन ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, रितिका सिंह और नसर। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 8.2 की एमडीबी रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर 19 रेखा, जिसका डायरेक्शन किया था रथीना शिवा ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, लक्ष्मणी मेनन और सीजा रॉय। मूवी 2016 को रिलीज हुई और एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 20 कवन, जिसका डायरेक्शन किया के वी आनंद ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, मैडोना सेबेस्टियन और विक्रांत। मूवी 2017 को रिलीज हुई और 7.1 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 21 विक्रम वेदा, जिसका डायरेक्शन किया पुष्कर ने। कास्ट में थे आर माधवन, विजय सेतुपति, श्रद्धा श्रीनाथ, वर लक्ष्मी, शरद कुमार। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 8.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी का 66 करोड़ का कलेक्शन रहा और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 22 पुरियाथा पुथीर, जिसका डायरेक्शन किया रंजीत जे अकोडी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, गायत्री और महिमा नंबियार। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 6.6 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 23 करुप्पन, जिसका डायरेक्शन किया था आर पनीरसेल्वम ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, बॉबी सीमा और पशुपति। मूवी 2017 को रिलीज हुई थी और 5.6 की एमडीबी रेटिंग के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 24 अरुणाला नाल पथु सोरलकरन, जिसका डायरेक्शन किया संतोष पी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, गौतम कार्तिक और वैभवी। मूवी 2018 को रिलीज हुई और एवरेज साबित हुई। नंबर 25 जुंगा, जिसका डायरेक्शन किया गोकुल ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, सहसा सहगल और मैडोना सेबेस्टियन। यह मूवी 2018 को रिलीज हुई और एक हिट साबित हुई। नंबर 26 चीका चवंथावनम, जिसका डायरेक्शन किया मणि रत्नम ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अरुण विजय, टी आर सिलिम्बरसन, ज्योतिका। मूवी 7.3 की एमडीबी रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 27 96, जिसका डायरेक्शन किया था सी प्रेम कुमार ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, त्रिशा कृष्णा और वर्षा बोमला, जिसका डायरेक्शन मूवी 2018 को रिलीज हुई थी और 8.6 की एमडीबी रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी मूवीज़ को क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए लगभग इनकी हर दूसरी मूवी को 8 से ऊपर की ही एमडीबी रेटिंग प्राप्त हुई है। तो आप सोच ही सकते हो कि इनकी एक्टिंग कितनी खतरनाक है और कितनी बढ़िया है विजय सेतुपति सर की। नंबर 28 इनकी बायोग्राफिकल मूवी सीता कथी, जिसका डायरेक्शन किया बालाजी टी ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, मौली और पृथ्वी नेयर। मूवी 2018 को रिलीज हुई और 7 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी एक फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। नंबर 29 पेट्टा, इसका डायरेक्शन किया कार्तिक सुब्बाराज ने। कास्ट में थे रणजीत, रजनीकांत, शशि कुमार और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय सेतुपति। मूवी 7.3 की एमडीबी रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसने 250 करोड़ का कलेक्शन किया। नंबर 30 सुपर डीलक्स, जिसका डायरेक्शन किया अनुभव सिन्हा ने। कास्ट में थे सुमंथा किन्नी, विजय सेतुपति और फहाद फैजिल। मूवी 2019 को रिलीज हुई और 8.6 की एमडीबी रेटिंग के साथ यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 31 सिंधुबाद, जिसका डायरेक्शन किया एस यू अरुण कुमार ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, अंजलि और लिंगा। मूवी 2019 को रिलीज हुई और 5.1 की एमडीबी रेटिंग के साथ एवरेज साबित हुई। कई साइट्स इसे फ्लॉप भी बताते हैं। नंबर 32 इनकी पहली मलयालम मूवी मार्कोनी मथाई, जिसका डायरेक्शन किया सुनील कलाथिल ने। कास्ट में थे सुरेश गोपी, विजय सेतुपति और अमेथ्या। मूवी 2019 को रिलीज हुई और नेगेटिव रिव्यू के कारण मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 33 इनकी तेलुगु मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी, जिसका डायरेक्शन किया सुरेंद्र रेड्डी ने। कास्ट में थे चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, सुदीप, विजय सेतुपति, नयनतारा, तमन्ना भाटिया। मूवी 2019 को रिलीज हुई और 8.7 की एमडीबी रेटिंग के बावजूद भी मूवी फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि मूवी का बजट था 270 करोड़ और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 240 करोड़ का, हालांकि मूवी बहुत बढ़िया थी। नंबर 34 संगा थमीजान, जिसका डायरेक्शन किया विजय चंद्रन ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, नवेथा पृथ्वीराज और राशि खन्ना। मूवी 2019 को रिलीज हुई और इनकी सबसे लोएस्ट एमडीबी रेटिंग वाली मूवी भी यही है। मूवी को 3.8 की एमडीबी रेटिंग मिली और एक फ्लॉप साबित हुई, हालांकि इस मूवी का एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब बात करें इनकी कुछ आने वाली मूवीज़ की, तो पहली मूवी आती है इनकी उपेन्ना, जो तेलुगु में बन रही है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं बुची बाबू साना। कास्ट में है विजय सेतुपति, पंजा वैष्णव,
तेज और कृति शेट्टी। पंजा वैष्णव तेज की है डेब्यू मूवी है, विजय सेतुपति इसमें एज ए विलन के रोल में होंगे। आप हमें कमेंट करके बताना है यह मूवी कैसी होगी। नंबर 36 मास्टर, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं लोकेश कंगाराजन। कास्ट में होंगे विजय, उनके साथ विजय सेतुपति और मालविका मोहनन। मूवी अप्रैल में पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन अब पोस्टपोन हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत तगड़ी हिट साबित हो सकती है, इसमें भी वो विलेन के रोल में। आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी कैसी होने वाली है। नंबर 37 ममनीथन, जिसकी स्टार कास्ट में है विजय सेतुपति, गायत्री और गुरु एस। यह मूवी हमें बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर 2021 में दिखाई देगी। यह फुल ऑन एक्शन और कॉमेडी से भरपूर होगी। नंबर 38 इनकी एक और एक्शन और रोमांस से भरपूर मूवी वसंथा कुमारन, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं आनंद कुमार सेना। कास्ट में है विजय सेतुपति और बिंदु माधवी। मूवी 2020 में रिलीज होगी। आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी कैसी होने वाली है। नंबर 39 युद्धम ओरू यारूवल और केलियार, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं वेंकटा कृष्णा आर। कास्ट में होंगे विजय सेतुपति, मोहन राजा और मेघा आकाश। मूवी 2020 जून में रिलीज हो सकती है यदि सब कुछ ठीक रहता और कोरोना वायरस नहीं फैलते आ तो। नंबर 40 लामबाम, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं एस बी जगन्नाथन। कास्ट में विजय सेतुपति, श्रुति हसन और कल्याण। मूवी 2020 में रिलीज होने वाली है, ये कमेंट करके बताना कैसी होगी। नंबर 41 पुष्पा, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं शशि शिवकुमार। कास्ट में होंगे अल्लू अर्जुन, विजय सेतुपति और रश्मिका मंदाना। पहली यह मूवी दिवाली पर रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी यह 2021 में पोस्टपोन हो चुकी है। नंबर 42 इनकी पहली डेब्यू बॉलीवुड मूवी लाल सिंह चड्ढा, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं अद्वैत चंदन। कास्ट में होंगे आमिर खान, विजय सेतुपति और करीना कपूर। मूवी पहले दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये भी पोस्टपोन हो चुकी है। नंबर 43 तुगलक दरबार, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं दिल्ली प्रसाद दीनदयाल। कास्ट में है विजय सेतुपति, अदिति राव हैदरी। यह मूवी 2021 बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर दिखाई देगी। आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी कैसी होने वाली है। नंबर 44 इनकी एक और रोमांस और कॉमेडी पर आधारित मूवी काथु वकालू रेंडु कदाल, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं विघ्नेश शिवान। कास्ट में है विजय सेतुपति, नयनतारा और सुमांथा किनेनी। यह मूवी भी 2021 में हमें बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर दिखाई देगी। आप हमें कमेंट करके बताना यह कॉमेडी और रोमांस से भरपूर मूवी कैसी होने वाली है। तो ये था मकार सेलवन विजय सेतुपति का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस। इनमें से कौन सी मूवी में से सबसे ज़्यादा आपको विजय सेतुपति की मूवी पसंद है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ आप उनकी कौन सी आने वाली मूवी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लाल सिंह चड्ढा के लिए कितना ज़्यादा उत्साहित है बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला ही रहता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। बने रहिए हमारे साथ, मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना लाता ही रहता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही साथ आप किस नए एक्टर एक्ट्रेस करियर का एनालिसिस और डायरेक्टर का एनालिसिस देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उन पर जल्द से जल्द वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।